हाय गाइस, अभी एक क्वेश्चन आया था मेरा। एक मेंबर है, मतलब पुरानी मेंबर है वो, ठीक है। तो मुझे पूछा कि कहीं से वो सुना या फिर कहीं से रिसर्च किया किसी दोस्त से, उसको बोला सर क्रैश डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग में डिफरेंस क्या है, और मैं अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करता हूँ और क्या मैं फॉलो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर तो मैंने बोला कि फॉलो कर सकते हो नहीं कर सकते, वो तो बात की बात है। पहले तो मुझे आप बताओ कि आपका गोल क्या है। फिर सामने वाला मेंबर बोल रहा है सर मुझे ना थोड़ी सी फैट बर्न करना है, 2-4 किलो वेट कम करना है और थोड़ी सी मसल बिल्डअप करना है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाना है। तो मैंने बोला थोड़ी सी आपने भी तो स्टडी किया होगा इसको, थोड़ी सी रिसर्च किया होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग और या फिर आपका क्रैश डाइट के बारे में जो आप मुझे पूछे। बल थोड़ा बहुत तो सर पूछा, बस मैंने ये देखा कि हाँ थोड़ी सी आपका हेल्प मिलता है आपका वेट लॉस करने में या फिर कम करने, तो इसलिए मैं जाके कहीं एक बार कर लेता हूँ, थोड़ी सी मेरे हो जाएगा। मैंने बोला ऐसा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अगर फैट वेट कम करने का प्लान है जिससे कि आपका मसल्स और फैट्स को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेट से मतलब है, तब तो ठीक है। अब कुछ हद तक आप उसको फॉलो करें तो ओके, मैं नहीं बोलूँगा परफेक्ट है, मैं बोलूँगा ये ओके ठीक है। और आपको इसको लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं करना, अगर आपको अगर पहले से फास्टिंग कभी कर रखे हो तो ठीक है। और आप बोल रहे हो कभी कभी लोग ना हंगर रह नहीं सकते, कुछ लोग उनको मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को बोल दूंगा तो वो तो फिर समझ लो उनकी बीपी हाई और बीपी लो, ऐसे ये प्रॉब्लम उनकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो किसी को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग देने से पहले उसका मेडिकल कंडीशन जानना जरूरी है, उसका मेंटल स्टेट जानना जरूरी है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानना उनके बाद ही कि मैं किस रिकमेंड करूँ ना करूँ, और वो मैटर करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ भी चीज़ें मार्केट में आता है तो हर किसी को उसको बड़ा चढ़ा के बोलता है, तो हर चीज़ को फॉलो करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। और आप किस केसेस में आप बोल रहे हो कि मसल मास बढ़ाना है, तो कोशिश करिएगा इसको फॉलो ही मत करो, इससे आपको मसल मास बढ़ाने में या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि नॉर्मली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है या जो लोग क्रैश डाइट करते हैं उनको मतलब ही नहीं होता उनका बॉडी में से क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या क्या बढ़ रहा है। उनका सिर्फ और सिर्फ गोल होता है सिर्फ कि मुझे वेट कम करना है। तो मैं नॉर्मली क्रैश डाइट के लिए पहले से मना कर रखा हूँ, और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो ये भी है कि आपका 16 घंटे भूखा रहना है और आपको 8 घंटे के अंदर 8 घंटा आपको डाइट लेनी है, मतलब है आपको 2 मील लेनी है टोटल, बाकी जो दिन है आपका एम्प्टी स्टोमक रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको भूखे में तड़पना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे बोलोगे कि आपको मतलब भूखा रहने से अच्छा है, मैं बोलूँगा कि आप फ्रूट्स ले लो, अगर आपको वेट लॉस का प्लान है या फैट लॉस का प्लान है नॉर्मली तो, और मसल को स्टेबल रखना है तो कम से कम जितना बॉडी वेट है आपको उतने तो प्रोटीन ले लो, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आपका 3 तो मील मेजर मेजर होता ही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। हाँ आप अब ऐसा है समझ लो आपके बॉडी को रिकमेंडेड है, रिकमेंड है मतलब कि 2000 कैलोरी आप पूरा 500 कैलोरीज में आ जाओगे पर डे, तो बॉडी को जो मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से आपको पर डे 2000 कैलोरी चाहिए, मतलब कि आप एक्टिविटी कुछ करो ना करो बॉडी इतनी कैलोरी बर्न कर रहा है। तो आप अगर कंटिन्यूअसली 1 हफ्ता 10 दिन उसको फॉलो करें इंटरमिटेंट फास्टिंग या क्रैश डाइट, आपके बॉडी में किस तरह की इम्पैक्ट आएगा आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। समझ लो आपका डेली आपका मील प्लान में 5 रोटी 5 रोटी 5 रोटी फॉर एग्जाम्पल है, और आपको मैं बोलूँगा कल से आपको 1 रोटी पे रहना है, 1 रोटी 1 रोटी 1 रोटी पे रहना है, तो आप और ये कब तक कर सकते हो, ठीक है। मैं बोलूँगा सिर्फ दो ही मील लेना है आपको दिन में, दिन में लेना है 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम को, बाकी थोड़ा बहुत सब्जी, बाकी दिन भर में सिर्फ पानी पीना है। तो आप अपना इम्पैक्ट बताओ किस तरह से आप उसको फॉलो करोगे। तो सबसे पहले तो मैं ही बोलूँगा, अगर आपको मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको ये करना वेट लॉस का प्लान है या फैट लॉस का प्लान है तो कैलोरी को डेफिसिट करना है स्लोली स्लोली, उसको ग्रेजुअली आपको आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, और लेकिन आपको एक्टिविटीज सेम रखो या थोड़ा सा बढ़ाओ। लेकिन आप बोल रहे हो कि एकदम से कैलोरी इंटेक ही मत करो, यही तो वही हो गया ना कि मतलब मुझे घर पे बैठे मुझे कुछ मुझे घर पे बैठे बैठे सब कुछ करा दो और मेरे वेट कम हो जाए और मैं स्केल के ऊपर जाके खड़ा हो जाऊँ और मेरे को बस डिजिट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए। लेकिन आप ये देख लो आपको कितना आपको मेंटली स्ट्रेस कितना होगा आगे जाके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर कुछ नहीं करते, घर पे कुछ कोई काम ही नहीं है, सिर्फ बिस्तर में पड़े रहते हो, ठीक है, या फिर ऑफिस नहीं जाते या फिर कोई भी एक्टिविटीज और कुछ नहीं करते। तो ये सबके लिए रिकमेंड मैं नहीं करूँगा मेरे जो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से,
मैं क्रैश डाइट के लिए तो मैं हमेशा मना ही करता हूँ। बाकी आ गया इंटरमीडिएट फास्टिंग का, अपने अपने ये नई नई चीज़ें मार्केट में आते रहते हैं, उसको कोई ना कोई उसको हाँ अच्छा अच्छा बोल देता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरा नॉर्मल रहता है कि आप मील रो बराबर लो, आपको लगता है कि वो फैट लॉस में आना है तो हाँ उसमें हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, मील पे मॉडिफाई कर सकते हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप एकदम सब कुछ स्टॉप कर दोगे ऐसे कैसे हो सकता है? आप बताओ कि आप एक जगह खड़े होके गाड़ी को चला रहे हो और बोल रहे हो कि मेरा मेरी जगह पे पहुंचा क्यों नहीं, कि मेरा गोल क्यों अचीव नहीं हुआ, पेट्रोल ही फूक रहा है बस एक जगह खड़े हो बस। तो यही बात होगी, आप एक जगह बैठे बैठे रहोगे, समझ लीजिए आपने वेट कम भी कर दिया, आप 2-4 किलो कम कर दिया। ऐसा तो नहीं कि हमेशा पूरी लाइफ टाइम आप 2 मील में रहोगे या फिर 2 मील दो फास्टिंग में रखोगे, हमेशा फास्टिंग रखोगे। कुछ चीज़ को एडेप्ट करने के लिए इस तरह की लाइफ स्टाइल में बॉडी को, अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के मुझे फॉलो करना है तो स्लोली स्लोली उसमें जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको आज मैंने कुछ प्लान बनाया और कल मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, ये सही नहीं है। अगर आप नॉर्मली डाइट प्लान में होते हो, अगर ये फास्टिंग वगैरह जो होते हैं, देखो आपने भी ये देखा होगा फास्टिंग वगैरह नॉर्मली 1 दिन या 2 दिन या 2-4 दिन ऐसे ही होता है। वैसा नहीं कि दिन भर में ये मतलब आप पूरे साल में आपने कंटिन्यू अच्छे से आपका मील ले रहे हो, जबकि आपका फूड बिना के आप रह नहीं सकते, और मैं उसको बोलेगा वेट लॉस करने के चक्कर में आप ऐसे करो, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ये अच्छा भी नहीं है। तो एक्टिविटीज़ ज़रूरी है आपको वेट कम करना, उससे आपका कम से कम जो आपका हार्ट है वो भी करोगे तो वो भी अच्छे फंक्शन करेगा और वो काम करेगा आपको हेल्प में। घर पे बैठे बैठे करोगे तो कुछ क्या आपका ना हार्ट रेट कोई वही का वही है, कोई आपका मतलब मेटाबॉलिक रेट वही का वही है, तो सो ये सब चीज़ें आपको मेरे हिसाब से सही नहीं है, बेटर हो। ठीक है, आई होप यू लाइक एंड प्लीज डोंट गो विथ दैट क्रैश डाइट और इंटरमीडिएट फास्टिंग। इफ यू वांट टू सेव योर मसल मास और वांट टू गेन योर मसल मास लाइक दैट, बट इफ यू वांट टू ओनली लूज वेट नथिंग एल्स, देर इज नथिंग योर माइंड एंड ऑल्सो आई डोंट यू डोंट वांट टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी समथिंग लाइक दैट, देन इट्स अप टू यू, बट टू इफ यू आस्क मी देन आंसर इज नो, इट इज नॉट गुड। सो आई होप यू लाइक, थैंक यू सो मच, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू गाइज।